हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल गुड। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए होम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो TGT, PGT, LT, NET इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, शरीर में तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव कौन सा है? इसके आंसर विकल्प हैं मांड, ग्लूकोज, सुगर, मिल्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 2, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सुगर, घेंघा, रिकेट्स, रतौंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, घेंघा। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन ए किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन थायमीन, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। इसकी एक ट्रिक मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल कर रखी है, आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसमें है विटामिन के रासायनिक नाम की ट्रिक करके है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता की परिस्थितियों में होती है? तो आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? यहाँ पे सॉरी मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे की नहीं होगा, यहाँ पे होगा किन, किन परिस्थितियों में होती है। इसका ऑप्शन है गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, कठोर काम करने वाले व्यक्ति को, वृद्धि कर रहे बालक को, उपरोक्त में से सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी को। क्वेश्चन नंबर 5, किस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि सभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं? सोयाबीन, चावल, मूंगफली, मक्का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मूंगफली में। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? B1, B2, B3, B4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, B1। क्वेश्चन नंबर 7 है, खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है लेथायरिज्म, फ्लोरिसिस, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लेथायरिज्म। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त के जमने के लिए आवश्यक है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पोषक तत्व कौन से हैं? वसा, लोहा, जल, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10, दुग्धपान की अवस्था में माँ के शरीर में प्रतिदिन दूध का निर्माण होता है 600 से 800 मिली, 400 से 500 मिली, 200 से 300 मिली, 800 से 900 मिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 400 से 500 मिली। क्वेश्चन नंबर 11, संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, स्वास्थ्य, उम्र एवं क्रियाशीलता, जलवायु एवं मौसम, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है? ऑप्शन ए मेरास्मस, ऑप्शन B, क्वाशियोरकर, ऑप्शन C,
रतौंधी, ऑप्शन डी बेरी बेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वासियोरकर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से आवश्यक अमीनो अम्लों की, यहाँ पे सॉरी मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे ये हमलो नहीं होगा, यहाँ पे ये अम्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या है 5, 8, 9, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों की संख्या है 20, 24, 26, 28। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20। क्वेश्चन नंबर 15, साधारण शर्करा होती है सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 16, कार्बोहाइड्रेट मिलता है चावल में, शक्कर में, गुड़ में, इन सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बोहाइड्रेट की कमी से मोटापा बढ़ता है, कमजोरी आती है, कार्य क्षमता घटती है, बी और सी दोनों। तो जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो मोटापा बढ़ता नहीं है, कमजोरी आती है और कार्य क्षमता दोनों में कमी आ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, एक वयस्क को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 20 ग्राम, 40 ग्राम, 80 ग्राम, 50 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए सॉरी यहाँ पे ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे हमें को एक बनाना पड़ेगा 60 ग्राम। तो यहाँ पे 60 ग्राम, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला कि एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, एक वयस्क के लिए आवश्यक वसा है 20 ग्राम, 40 ग्राम, 10 ग्राम, 80 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 20, एनीमिया रोग इसकी कमी से होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोहा, लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21, दूध में पाए जाने वाले विटामिन हैं ऑप्शन ए ए और बी, ऑप्शन बी ए और डी, ऑप्शन सी सी और के, ऑप्शन डी बी और सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी, दूध में पाए जाने वाले विटामिन ए और बी हैं। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं स्तनपान से क्या लाभ है, बच्चे को साफ तथा कीटाणु रहित दूध प्राप्त होता है, माँ के दूध का एंटीबॉडी बच्चे को संक्रामक रोग से बचाता है, माँ के दूध में उपस्थित लैक्टोफेरिन बच्चे को आंत के रोगों से बचाता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।